मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज बीएचएससी सेकेंडरी पार्ट टू के लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के तृतीय यूनिट के या तीसरी यूनिट के अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट विषय पर आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले यह आता है कि रिटायरमेंट हम किसे कहते हैं। रिटायरमेंट जब व्यक्ति अपने कार्यों से, जो कार्य वो कर रहा था उन कार्यों से निवृत्त हो गया, तो अपन सामान्य भाषा में उसे रिटायरमेंट कहते हैं। पर हम इस तरह से भी उसे कह सकते हैं कि व्यक्ति की भूमिकाओं में परिवर्तन होना, व्यक्ति की जीवन शैली में परिवर्तन होना, व्यक्ति की रुचियों में परिवर्तन होना, उसके मूल्यों में परिवर्तन होना, वो सब भी रिटायरमेंट की। यदि ये सारी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है मतलब व्यक्ति रिटायर हो गया है। साथ ही साथ रिटायरमेंट होने के उपरांत व्यक्ति का समय, जैसे रिटायरमेंट के पहले तक व्यक्ति हर काम करने के लिए उसे जो सुइयां हैं घड़ी की सुइयों के अनुसार काम करता है, पर रिटायर होने के बाद उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। जब वो जब जैसा चाहता है, जिस तरह से चाहता है। अधिकतर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अकेला हो जाने के कारण हमेशा पोस्टमैन का इंतज़ार करता है, ऑफ सीजन में घूमने जाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार साथ ही साथ फिल्म देखना, मूवी जाना, होटलिंग करना, इन सब चीज़ों से में भी उसकी रुचि जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है या नहीं रहती या कम हो जाती है, या वो इन चीज़ों पर जाना नहीं चाहता। साथ ही साथ रिटायरमेंट के पहले व्यक्ति के जीवन में अपने जो उत्तरदायित्व हैं, जो कार्य हैं, वो बहुत अधिक होते हैं और वो उन सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाता आ रहा था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाती है, आयु के बढ़ने के साथ उसमें अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने में उसे, या अपने उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कठिनाई का अनुभव करता है। उसके मुख्य कारण ये है क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमताओं में कमी होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने उत्तरदायित्व नहीं, साथ ही साथ अपने कार्यक्षेत्र में उसे जो कम आयु के लोग हैं उन लोगों की कार्यक्षमता अधिक, निश्चित रूप से उनकी कार्यक्षमता अधिक होगी और वो उनके साथ भी समायोजन का, या फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं अपने कलीग्स के साथ पिछड़ता जा रहा हूँ, या जितना मुझे कर लेना चाहिए मैं आज उतना नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से भी वो सोचता है कि वो कदम से कदम मिलाकर नहीं कर पाता, जिससे उसको कई बार टेंशन होता है, व्याकुलताएं होती हैं या परेशानियां होती हैं। तो रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार की मनःस्थिति, या रिटायरमेंट के पास आने तक व्यक्ति की इस प्रकार की मनःस्थिति बन जाती है। अब यह आता है कि रिटायरमेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। रिटायरमेंट सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। अनिवार्य जो रिटायरमेंट है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या कार्यनिवृत्ति से मतलब है कि व्यक्ति जो लगातार जीवन भर कार्य कर रहा था या जिस सेवा में, जिस नौकरी में, जहां भी वो काम कर रहा था, उसको अनिवार्य रूप से उस एक निश्चित आयु के उपरांत उसे उस कार्य से मुक्त कर दिया जाता है या निवृत्त कर दिया जाता है, उसको हम अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहेंगे। जैसे शासकीय कर्मचारी जो है वो 60 साल या 62 साल, हर जगह पर अलग अलग आयु है, उसके आधार पर वो उस आयु आने पर वह रिटायर हो जाता है। अब उसके उस रिटायरमेंट में उसकी इच्छा है या नहीं है, वो कार्य की क्षमता उसमें है या नहीं है, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता, सिर्फ उस आयु आने पर उसे रिटायर कर दिया जाता है। दूसरा होता है ऐच्छिक रिटायरमेंट, जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्यगत कारणों से या अन्य कारणों से अपने कार्य से निवृत्त होना चाहता है या निवृत्त हो जाता है, जिसको VRS की शब्द या वॉलंटरी रिटायरमेंट कहते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य निवृत्ति लेता है और अधिकतर ये देखा गया है कि जो सब स्वेच्छा से वो कार्य निवृत्ति लेता है तो उसको समायोजन करने में कठिनाई कम होती है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ले रहा है, उसके लिए मानसिक रूप से वो तैयार है। जबकि अनिवार्य रूप से होने के मामले में, अनिवार्य रूप से जब सेवानिवृत्ति होती है तो व्यक्ति को कई बार उसको समायोजन करने में कठिनाई, क्योंकि वो कई बार कार्य करने में सक्षम है और उसको लगता है कि मैं कार्य कर सकता हूँ और फिर भी मुझे हटना पड़ा या कार्य से निवृत्त कर दिया गया, इसलिए इस प्रकार की स्थितियां उसमें आती है। एक है जो हैविंगस नामक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कार्यनिवृत्ति के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है निश्चित आयु में होने वाली कार्यनिवृत्ति, जैसे अनिवार्य कार्यनिवृत्ति, उसी को हम कह सकते हैं निश्चित आयु में की जाने वाली कार्यनिवृत्ति। दूसरा है व्यक्ति का अपने धंधे या अपने व्यवसाय या जो भी वो काम करता है उसमें धीरे धीरे करके काम की जो सक्रियता है उस सक्रियता में वो कम करने लगता है। ये अधिकतर व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनमें पाया जाता है। साथ ही साथ तीसरा प्रकार है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने जिम्मेदारियों को अन्य लोगों को सौंपने लग जाता है, अपने या तो अधीनस्थ लोगों को सौंपने लग जाता है, या अपने घर में यदि व्यवसाय करता है तो घर के परिवार के अन्य सदस्यों को, बच्चों को, उनको वो देने लग जाता है। या फिर चौथा प्रकार है कि उसको व्यवसाय या नौकरी में उसकी
क्षमता से या क्षमता के अनुसार उसको कमतर कार्य दे दिया जाए, मतलब जिस पोस्ट में या जिस पद पर वो काम कर रहा था या वो था या जो वो काम कर रहा था उससे कमतर कार्य यदि उसे दे दिया जाता है तो वो भी एक प्रकार की कार्य निवृत्ति है जिससे व्यक्ति कम। कई बार व्यक्ति पांचवा प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य से दूसरे व्यवसाय में जाकर, भिन्न प्रकार के व्यवसाय में जाकर कमतर कार्य करने लग जाता है तो वो भी एक प्रकार का रिटायरमेंट है। तो इस तरह से हेमिंग्स ने रिटायरमेंट को पांच भागों में या पांच प्रकार बतलाए हैं। अब सामान्यतः हम ये देखते हैं कि रिटायरमेंट की जो भी श्रेणी है या रिटायरमेंट जो है उसको भी हेमिंग्स ने दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी जो है उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मतलब कि व्यक्ति अपनी योग्यता और इच्छा के अनुसार अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करता है या उसकी जो पहले जीवन शैली थी जिस प्रकार से वो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों में वो अपनी खुशी से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है या कमी लाने लग जाता है। दूसरा प्रकार है, दूसरी श्रेणी के अंतर्गत व्यक्ति मेंटेनर कहलाता है और मेंटेनर का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य तो उसने छोड़ दिया, रिटायर हो गया, कार्य निवृत्ति हो गई, पर फिर भी वो अंशकालीन किसी न किसी प्रकार के कार्यों में लगा रहता है या क्रियाकलाप करता रहता है जिसे कि मेंटेनर कहा जाता है, मतलब सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ इस प्रकार के कार्य करता है। अब आता है कि जो कार्य निवृत्ति है उससे व्यक्ति को तैयार होना आवश्यक है या प्रिपरेशन फॉर रिटायरमेंट, क्योंकि यदि व्यक्ति रिटायर होने वाला है या रिटायरमेंट है उसके पहले यदि वो अपने आप को तैयार कर लेता है तो तैयार कर लेने पर उसे समायोजन करने में कठिनाई नहीं होती। मानसिक रूप से यदि वो तैयार है तो उसको अधिक परेशानियां नहीं होंगी। परंतु हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मनोवैज्ञानिक तैयारी उनकी नहीं होती है या वो इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे ही कार्य निवृत्ति होगी वो पहले 8 घंटे काम कर रहे थे लगातार और उसके बाद उनके पास खाली समय अधिक हो जाएगा तो उसके साथ उनको समायोजन करना है, लोग बागों की उनकी जो आर्थिक जो आमदनी थी उस आर्थिक आमदनी में कमी आ जाएगी, उस कमी के साथ उन्हें समायोजन करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो समाज में उनका स्थान था वो स्थान में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है रिटायरमेंट के उपरांत, तो उस कमी के कारण भी व्यक्ति जो है वो समाज में रिटायर होने के बाद उसको उनके साथ भी समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ घर के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसे समायोजन करने की जरूरत पड़ती है कि वो किस प्रकार से। तो ये जरूरत है कि जो भी रिटायर होने वाले व्यक्ति हैं या मनुष्य प्रौढ़ व्यक्ति हैं उन लोगों को अपनी इसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपरेशन या योजनाएं बना लें कि आगे वो क्या करेंगे, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। यदि वो उस सारी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं तो उन्हें आगे समायोजन करने में कठिनाई नहीं होती है। अब ये आता है कि रिटायरमेंट से जब हम समायोजन करने वाले हैं या रिटायरमेंट से हमें समायोजन करना है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो परिस्थितियां यदि हैं तो हमें समायोजन करना ज़्यादा कठिन होगा और कुछ परिस्थितियों में हमें समायोजन करने में उतनी अधिक कठिनाई या संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले है यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है, अपनी स्वेच्छा से रिटायर हो रहा है तो उसे समायोजन करना बहुत आसान और बहुत सरल होता है। कारण ये क्योंकि वो मानसिक रूप से उसने स्वयं उस चीज को चुना है और जब वो स्वयं उस चीज को चुन रहा है तो निश्चित रूप से उसको समायोजन करने में ज्यादा होगा, साथ ही साथ क्योंकि वो रिटायरमेंट इच्छा से कर रहा है इसलिए वो कुछ और जो भी वो अपने जीवन में अन्य कार्य करना चाहता है उसके लिए वो निरंतर कार्य करता रहता है, या जैसे उसको अपनी जो कार्य जीवन में नहीं कर पाया इसके लिए जिसने रिटायरमेंट लिया या स्वास्थ्यगत कारणों से लिया तो भी उसे समायोजन करने में उतनी अधिक कठिनाई नहीं होती। साथ ही साथ दूसरा एक और भी है प्रमुख चीज है कि यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और उसके कारण वो रिटायर हो रहा है या रिटायर होने के समय उसमें स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है उसका, तब भी उसे समायोजन करने में कठिनाई नहीं होती है क्योंकि उसका स्वास्थ्य ही इतना वो होता है कि वो उसी से संघर्ष करता रहता है, इसके लिए रिटायरमेंट के विषय में या उसमें किए जाने वाले समायोजन के विषय में वो चीज़ों को सोचने में उतना अधिक सक्षम या समर्थ नहीं होता है, इसलिए उसके रिटायरमेंट के साथ समायोजन करना ज़्यादा आसान और सरल होता है। अब यदि मान लीजिए हमारे यहाँ पर इस प्रकार का प्रचलन नहीं है परंतु फिर भी यदि रिटायरमेंट के पूर्व व्यक्ति की काउंसलिंग की जाए, प्लानिंग की जाए या प्लानिंग कर ली जाए तो समायोजन करना ज़्यादा सरल होता है। कई विदेशों में और जगहों में रिटायरमेंट के पहले इस प्रकार की काउंसलिंग की जाती है, इस प्रकार की प्लानिंग की जाती है जिससे कि व्यक्ति को कार्य करने में आसानी होती है। साथ ही साथ यदि जिन्हें अपने जो भी उनके स्थापनागत क्रियाकलाप थे
उन क्रियाकलापों में उन्हें रुचि थी, मतलब जिस कार्य को वो कर रहे थे उन कार्यों में उनकी रुचि थी, और वो उनके कोई सब्स्टिट्यूट उसी से मिलते जुलते किसी प्रकार के सब्स्टिट्यूट कार्यकलापों में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं या उनमें लिप्त हो जाते हैं, तो उन्हें संवेगात्मक समस्याएं नहीं आती और समायोजन करना अधिक सरल होता है। साथ ही साथ ऐसे बुजुर्ग जिनका सामाजिक संपर्क बहुत ज़्यादा होता है या अधिक ज़्यादा लोगों के बीच में सामाजिक संपर्क में रहते हैं, उन्हें भी समायोजन करना ज़्यादा सरल और आसान होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कम करना पड़ता है, मान लीजिए जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा या लाइफ स्टाइल में बहुत अधिक चेंज करने की ज़रूरत है, तो उनको समायोजन करना ज़्यादा कठिन होगा। परंतु ऐसे लोग जिनको जीवन शैली जैसी थी उसमें थोड़ा मोर और लेस अंतर आता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, तो उनको समायोजन करना बहुत आसान होगा। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनको भी समायोजन करने में कठिनाई कम होती है, क्योंकि उनको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अगला बिंदु है कि यदि जिनका वैवाहिक जीवन सुखद है उनको भी वैवाहिक जीवन सुखद होने के कारण समायोजन करने में कठिनाई या संघर्ष उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ उनकी जीवन सही तरीके से चलता रहता है या कार्य करते रहते हैं जिसके कारण। इसके अलावा यदि व्यक्ति की रिटायरमेंट के बाद या उसको कार्य करने की रुचि ज़्यादा है, अधिक कार्य करने की रुचि रखता है, तो वो समायोजन करने में आसानी से कार्य करना पसंद करता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद समायोजन करना उसके लिए ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि वो काम को ज़्यादा महत्व देता है, और यदि रिटायर हो गया तो उसके बाद उसको निश्चित रूप से काम करने में कठिनाई अधिक होगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो लोग बहुत उच्च पदों पर कार्य करते हैं और वो रिटायर होते हैं तो उन्हें समायोजन करना बहुत कठिन होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनके आसपास जो वातावरण होता है या जो उनका आसपास का ऑरा होता है वो ऑरा मिलना रिटायरमेंट के बाद संभव नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें समायोजन करने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ परिवार के सदस्य जो है उनके रिटायरमेंट को लेकर किस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं, यदि परिवार के सदस्य घर के लोग यदि उनके रिटायरमेंट को पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं तो रिटायरमेंट के बाद समायोजन करना बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत आसान और बहुत सरल होता है और उसका उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर यदि मान लीजिए माता बच्चे नहीं कर रहे या वो छोड़ देते हैं, उनको अकेले वो कर दिया जाता है, तो उन्हें समायोजन करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। इसके अब ये रिटायरमेंट के चीज़ें ये बिंदु हैं जो कि रिटायरमेंट को समायोजन करने में करते हैं। इसके साथ साथ रिटायरमेंट में कुछ समायोजन करने में लिंग भेद भी कई चीज़ों में होता है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों में स्त्रियों को रिटायरमेंट के बाद समायोजन करने में ज़्यादा आसानी होती है पुरुषों की अपेक्षा। उसका मुख्य कारण यह है कि स्त्रियां जो हैं वो घर के कार्यों में भी संलग्न होती हैं, घर के कामों से भी जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें समायोजन करना ज़्यादा आसान होता है, उतनी अधिक उनकी काम मतलब उनके कार्य में कमी नहीं आती है, जिसकी वजह से वो आसानी से कर लेती हैं। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको मनोवैज्ञानिक लाभ भी रिटायरमेंट के बाद मिलता है कि उनको सामाजिक कार्यों के लिए सहारा मिल गया, उनको कई जो काम वो करना चाहती थी या जो खाली टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर था, वो प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से भी उन्हें रिटायरमेंट के बाद आसानी से सुविधा होती है। पर ऐसी महिलाएं जो उच्च पद पर पदस्थ हैं उनको रिटायरमेंट के बाद समायोजन करने में कठिनाई होती जिस प्रकार से पुरुषों को होती है। इसके अलावा पुरुष यदि कार्य करने के बाद संतोष जो उन्होंने कार्य कर रहे थे कार्य निवृत्ति के बाद यदि उनको अपने उन कार्यों से संतोष नहीं है तो समायोजन करने में उन्हें क्या होती है कठिनाई होती है। उसी प्रकार से महिलाओं को भी लिंग भेद सामान्यतः स्त्रियों में भी वो देखने को मिलता है कि यदि वो संतुष्ट नहीं थे या संतुष्ट ज़्यादा है अपने कार्य से तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद परेशानी होती है। एक उसमें ये भी है कि यदि जो ऐसी महिलाएं जो कि विवाहित हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा परेशानियां होती हैं ऐसी महिलाओं से जो कि अविवाहित हैं। अविवाहित महिलाओं को रिटायरमेंट के उपरांत समायोजन करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनका अपना एक सर्कल होता है, रिटायरमेंट के बाद भी वो उस सर्कल में उन चीज़ों में मिली से संपर्क कर सकती हैं। पर जबकि ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट के बाद जो विवाहित महिलाएं उनको वैसा स्थान नहीं मिल पाता, वो फिर भी रिटायरमेंट के बाद भी अपने उसी वातावरण और उसी चक्र में वो से लिप्त रहती हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिटायरमेंट के बाद या दायित्व उनके समाप्त नहीं होते। जबकि
जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके उत्तरदायित्व कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिटायरमेंट के बाद समायोजन करना ज़्यादा आसान होता है। आपको मैंने रिटायरमेंट के विषय में ये महत्वपूर्ण चर्चा की, धन्यवाद।